गढ़वा समाहर न्यायालय पर कांग्रेस का धरना। राज्य में भूख से हो रहे मौत पर कांग्रेस के द्वारा एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। अब इसमें क्या समझना है, क्या करना है, हम उतना पढ़े लिखे आदमी नहीं है, लेकिन इसको देख रहे हैं हमेशा पेपर से मीडिया के दिया था। अभी तक आज तक जितना कांग्रेस को जितना भी बने हैं उसका इतना मीडिया में नहीं आता था, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आसिक अंसारी ने किया। इस कार्यक्रम का मंच संचालन मानव सिन्हा ने किया। धरना को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी और इनके जो फायर ब्रांड के लोग हैं, इन लोगों ने राम मंदिर को मुद्दा बनाया था, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि आज केंद्र में और राज्य में दोनों जगह भाजपा की सरकार है, लेकिन भाजपा राम मंदिर का नाम बोलता नहीं है। कभी इन्होंने नोटबंदी किया, नोटबंदी विफल हुआ, जनता ठीक से संभली नहीं, ऊपर से इन्होंने जीएसटी ला दिया। आज गढ़वा जिला समाहरणालय के समक्ष कांग्रेस पार्टी का एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। इसका मुख्य मकसद राज्य में हो रही भूख से मौत इसका मुख्य कारण था। ये झारखंड में वर्तमान में रघुवर सरकार जो कार्यरत है वो इतना असंवेदनशील है कि राज्य में भूख से मौत हो रही है, जबकि खाद्यान्न कानून के तहत, खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य में किसी भी आदमी को भूख से मरने नहीं दिया जाएगा, इसका इस देश का कानून गारंटी करता है। इस कार्यक्रम में श्रीकांत तिवारी, बोलू दुबे, बबलू दुबे, बुद्धि नारायण तिवारी, अमानत अंसारी, कमर सफदर सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे।